हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुषमा क्रिएटिव गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ खूबसूरत सा पौधा, ये ड्रेसिना प्लांट है, ड्रेसिना रिफ्लेक्शा। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है, इंडोर काफ़ी अच्छा चलता है, इंडोर लगाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये सेमी शेड फुली शेड दोनों में बहुत ही आराम से चल जाता है। सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत ही खूबसूरत पौधा है और कम मेहनत में ये ग्रो हो जाता है। इसे अगर प्रोपगेट करना चाहते हैं, एक पौधे से ज़्यादा पौधा बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत जल्द ग्रो करता है और इसकी बहुत जल्दी रूट बन जाती है। प्लांट घना और हेल्दी भी हो जाता है। तो अगर आपके पास एक पौधा है तो इसे अनेक पौधा आप बना सकते हैं, और नहीं है तो इसे नर्सरी से भी लेकर आ सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर अपने आसपास कहीं पे भी ये पौधा दिखता है तो इसकी कटिंग लेकर के लगा सकते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया अभी फरवरी महीने में तो हर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, जो भी कटिंग हम लगाएंगे सभी लग जाते हैं, लेकिन सॉन्ग ऑफ इंडिया ये से पानी में भी ग्रो किया जाता है, तो ये हर मौसम में चल जाता है। इसकी कटिंग अगर लगाइए कभी भी तो ये बहुत आराम से इजीली ग्रो हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्लांट मैंने कटिंग करके रखी है पानी में। पानी में कटिंग करके इसलिए रखी थी, मुझे कटिंग करना था और लगाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने इसे पानी में रख दी थी फ्रेंड्स। अभी इसे मिट्टी में मुझे लगानी है, तो इसकी कटिंग लगाना चाहें तो थोड़ी लंबी कटिंग भी लगा सकते हैं इस तरीके से, और ऐसे 6 इंच की कटिंग भी इसकी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है और बहुत जल्द। तो आप छोटी सी कटिंग भी लगाएं, मुझे बड़ा सा पौधा चाहिए अपने पॉट में, थोड़ा हेल्दी दिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने बड़ी कटिंग ली है और नीचे से 3-4 इंच इस तरीके से पत्तियां मैंने खाली कर दी है। ये मेरे पास 3 कटिंग है, लेकिन ये जो कटिंग है ये थोड़ी तिरछी है, तो इसे मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसकी सेप, अच्छी सेप देने के लिए इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं ये 3 को लगाऊंगी। इसे लगाने के लिए मिट्टी यहाँ पे तैयार है इस पॉट में, नॉर्मल। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रूटिंग हार्मोन देने की ज़रूरत नहीं है। ये पौधा इजीली ग्रो होने वाला है और खूबसूरत भी दिखता है, तो इसे आप अपने गार्डन में लगाइए, बहुत जल्द ग्रो हो जाएगा, कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक साथ 3-3 पौधे लगा रही हूँ ताकि मेरा पॉट पूरा भरा हुआ और घना दिखे। खूबसूरत तो ये लगता ही है। इसे आप कहीं पे भी रखिए, इंडोर सेमी शेड में बहुत आराम से चल जाता है, और ये हल्की फल्की धूप भी बहुत आराम से झेलता है। धूप में भी ये सुबह की धूप अगर 1-2 घंटे इसे मिलती है तो ये काफ़ी अच्छा चलता है। इसकी कटिंग लगाने के बाद इसमें पानी दे देना है, 1 महीने में इसके रूट्स बन जाएंगे और प्लांट्स में ऊपर से न्यू लीव्स भी आने लगेंगे, नई नई पत्तियों का इसमें अच्छी ग्रोथ होगी। अभी इसे बस शेड में रख देना है। इसकी कटिंग लगाने के बाद इस पॉट को धूप में नहीं रखना है, और फिर इसे हम धूप में हल्की फल्की जब धूप देंगे, जब ये पौधा पूरा ग्रो कर जाएगा तभी थोड़ी बहुत धूप दे सकते हैं। वैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया इंडोर चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है, सेमी शेड फुली शेड इसे आप घर के अंदर भी रखिए, ब्राइट लाइट मिलेगी उसमें भी ये काफ़ी अच्छा चलता है। इसकी केयर बहुत कम है और खूबसूरती बहुत ज़्यादा। ये हाउस प्लांट है और बहुत खूबसूरत दिखने वाला पौधा है, कॉमन प्लांट है, ये हर घर पे मिलेगा आपको, इसलिए भी क्योंकि सुंदर तो ये है ही और साथ में लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इस तरीके से इस प्लांट की कटिंग को लगाएं, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।